हर चीज़ की अपनी एक कहानी होती है, वैसे ही हमारी पृथ्वी की भी एक कहानी है। लास्ट वीडियो में हमने बिग बैंग के बारे में बात की थी। बिग बैंग होने के बाद यूनिवर्स फैलता चला गया, जिससे स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट का निर्माण हुआ। हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण भी इसी से हुआ था। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी लाइट एलिमेंट से सूर्य बना और हैवी एलिमेंट से प्लैनेट्स बन गए। आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी एक रॉकी मास स्ट्रक्चर के रूप में सन के चक्कर लगा रही थी, जिस पर किसी जीव का होना पॉसिबल ही नहीं था। सुपरनोवा रेडिएशन की वजह से पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी। उसकी सरफेस पर वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगे और साथ में काफ़ी सारे उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराने लगे। इस दौरान पृथ्वी इतनी गर्म हो चुकी थी कि वो पिघलने लगी। हैवी एलिमेंट्स जैसे कि आयरन पिघल के पृथ्वी के सेंटर में आ गए और हल्के एलिमेंट्स पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुंच गए। इन सब ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पृथ्वी की लेयर्स बनी। यह माना गया है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान मार्स के साइज का एक प्लैनेट हमारी पृथ्वी से टकरा गया था, जिसकी डस्ट से एक बड़ा सा बादल बना, जिसने धीरे धीरे चंद्रमा का रूप ले लिया और पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। पृथ्वी से टकराने वाले उल्कापिंड अपने साथ वो मिनरल्स लेकर आए जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी थे। आज से 3.9 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का निर्माण हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होता गया और वो शांत होती गई। इस समय पृथ्वी की रोटेशन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक दिन सिर्फ 15 घंटों का होता था। समय के साथ साथ पृथ्वी और ठंडी हो गई और इसी के साथ समुद्र और द्वीप का निर्माण हुआ। लगभग 3.2 से 2.4 बिलियन ईयर्स पहले फोटोसिंथेटिक जीव जैसे कि साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। पानी के अंदर इन जीवों ने स्ट्रोमेटोलाइट्स जैसी रॉक्स का निर्माण किया, जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज किया और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया। अब तक केवल पानी के अंदर ही जीवन था, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर रेडिएशन से बचने का कोई तरीका नहीं था। उस वक्त एटमॉस्फेयर में मीथेन सबसे ज्यादा थी। मीथेन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कम मात्रा में होने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव अभी बहुत कम था, जिस वजह से अर्थ जमने लगी और अगले 300 मिलियन ईयर्स तक वो बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। ये पृथ्वी का पहला आइस एज था। इस दौरान ऑक्सीजन बढ़ने से पृथ्वी की ओजोन लेयर काफी स्ट्रांग हो गई, जिस वजह से अब धरती की सतह पर भी जीवन होने के आसार बढ़ने लगे। धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी और पृथ्वी एक बार फिर से सामान्य स्थिति में आ गई। इसके बाद फंगी का निर्माण हुआ और वो खुद को विकसित करने लगी। धीरे धीरे समुद्र में समुद्री पौधे उगने लगे। इसके बाद जमीन पर तरह तरह के पौधों का जन्म हुआ और समुद्र में मछलियों का जन्म हुआ। तिक्तालिक मछली वो पहली मछली थी जो पानी से बाहर सतह पर घूमने लगी। उसका सर कुछ कुछ क्रोकोडाइल के जैसा फ्लैट था और उसके फिन्स जमीन पर पैरों की तरह काम करते थे। जमीन पे चलने के कारण ये विकसित होके टेट्रापॉड्स बने। टेट्रापॉड्स यानी कि वो जीव जिनके चार पैर होते हैं, जो धरती पर आसानी से चल सकते थे और आगे चल के विकसित होके इनसे नए जीव जंतुओं का जन्म हुआ। इसके बाद एक बार फिर से पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे ज्वालामुखी फटने लगे, जिससे धरती का तापमान और भी ज्यादा गर्म हो गया। लगभग 90% जीव इस बदलाव को सहन नहीं कर पाए और खत्म हो गए। जो जीव इस बदलाव को झेल गए वो एक नई प्रजाति में विकसित हो चुके थे और अब एक नए युग का आरंभ होने वाला था। और वो युग था पृथ्वी के सबसे भारी भरकम विशालकाय जीव डायनासोर का।
डायनासोर्स की काफ़ी सारी प्रजातियाँ थीं। कुछ पानी में रहते थे, कुछ ज़मीन पर रहते थे, कुछ हवा में उड़ते थे। और यही सब प्रजातियाँ आगे चल के नए जीव जंतुओं में विकसित हुई। डायनासोर्स ने काफ़ी लंबे वक्त तक पृथ्वी पर राज किया और फिर एक दिन एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह से टकरा गया, जिस वजह से तापमान गिरने लगा और पृथ्वी पर रहने वाले अधिकतर बड़े जीव इसकी चपेट में आ गए। इसी के साथ पृथ्वी के विशाल काय जीवों का अंत हो गया। डायनासोर के जाने से एक नई प्रजाति को फलने फूलने का अवसर मिला। वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स ने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। इस महाविनाश के बाद धरती धीरे धीरे सामान्य होने लगी। और आसानी से समझने के लिए हम एक बार टाइमलाइन को देख लेते हैं। आज से 3.9 बिलियन ईयर्स पहले एटमॉस्फेयर बना, जिसके बाद एक कोशिकाय जीव यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। उसके बाद 2.4 बिलियन ईयर्स पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया का जन्म हुआ, जिससे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा। उसके बाद ग्रीन एल्गी की उत्पत्ति हुई, जिसने खुद को विकसित करके समुद्री पौधों को उत्पन्न किया। उसके बाद पहला मल्टी सेल्यूलर जीव यानी कि बहु कोशिकाय जीव का जन्म हुआ। उसके बाद पृथ्वी फिर से एक बार बर्फ का गोला बन गई। फिर लगभग 590 मिलियन ईयर्स पहले प्रोटोजोम्स पैदा हुए, जो कि स्पाइडर्स और क्रैब्स के पूर्वज थे। उसके बाद नाइडेरियंस का जन्म हुआ, जो कि जेलीफिश के पूर्वज थे, जो कुछ सालों बाद विकसित होकर जेलीफिश बने। इसके बाद तरह तरह के कीड़े मकौड़ों की उत्पत्ति हुई और इसी समय सतह पर उगने वाले पौधों का निर्माण हुआ। लगभग 375 मिलियन ईयर्स पहले तिक्तालिक फिश का जन्म हुआ, जिससे टेट्रापॉड्स बने। और टेट्रापॉड्स आगे चलकर वेल्स, डॉल्फिन, सी टर्टल्स, मैमल्स इन सब में विकसित हुए। इसके कुछ सालों बाद कुछ टेट्रापॉड्स एम्फीबियंस में विकसित हो गए। और लगभग 320 मिलियन ईयर्स पहले कुछ टेट्रापॉड्स विकसित होकर सॉरोप्सिड्स बने, जो कि डायनासोर्स और बर्ड्स के पूर्वज थे। और कुछ टेट्रापॉड्स विकसित होकर सिनेप्सिड्स बने, जिनसे मैमल्स की उत्पत्ति हुई। इसके बाद डायनासोर्स की दुनिया शुरू हुई। कुछ सालों बाद क्रोकोडिलियंस इवॉल्व हुए, विकसित हुए, और ये सिलसिला कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्ट्रॉइड गिरने से डायनासोर के युग का अंत हुआ। उसके बाद इंडोहायस विकसित हुए और उनके विकसित होने से फेल्स की उत्पत्ति हुई। फेल्स के पूर्वजों ने खुद को पानी में जाके विकसित किया। पहली वेल का नाम पेकीसीटस था, जो कि एक जमीन पे चलने वाला जीव था, और पानी में जाके खुद को धीरे धीरे उसने वेल में तब्दील किया। इसके बाद बटरफ्लाइज का जन्म हुआ और धीरे धीरे एप्स, डियर्स, जिराफ, हाइना, गिबन्स, ओरैंगुटैंस, विकसित होते होते गोरिल्लास, ज़ेब्रास, एलिफेंट्स, लायंस और कंगारू जैसे जीव अस्तित्व में आए। आगे चल के इसी तरह विकसित होते होते कई प्रजातियां बनी और इस तरह हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई।